बिहार का लाल और इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अमिताभ की मदद से चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 उतरेगा। मूलतः समस्तीपुर के कुबौली गांव निवासी इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अमिताभ चंद्रयान 2 के डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑपरेशन डायरेक्टर है। 7 सितंबर को जब चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो अंतरिक्ष तक बिहार के इस प्रतिभा का पूरी दुनिया में डंका बजेगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, केरल और कर्नाटक समेत 11 राज्यों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तूफान की आशंका जताई है। तटीय क्षेत्र में मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे। विभाग में मिली रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें लगभग 2700 करोड़ रुपए की मांग की गई है। केंद्रीय टीम बाढ़ से हुई क्षति का जायजा ले। बिहार के गया से बड़ी खबर आई है। गया के बुनियादगंज थाना क्षेत्र से 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। इन आतंकवादियों में से एक का नाम तौफिक रजा और दूसरे का नाम एजाज अहमद बताया जाता है। यह दोनों संदिग्ध आतंकवादी अपना नाम बदलकर गया के बुनियादगंज थाना क्षेत्र में रह रहे थे। बिहार सरकार के एक सहायक इंजीनियर के फर्जीवाड़े की दुनिया में इतिहास रच दिया है। सरकारी इंजीनियर ने चालबाजी करके एक साथ 3 अलग अलग पदों पर 3 साल तक नौकरी और सैलरी ली। यही नहीं, इंजीनियर को तीनों ही पदों पर समयबद्ध प्रमोशन भी मिला। राज्य सड़क निर्माण और जल संसाधन और जल संसाधन विभाग में नौकरी किया। सुरेश रामा भी फरार है। बिहार के जहानाबाद में हैरत अंगेज मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। यह घटना पटना गया रेल लाइन पर कनौदी गांव के पास की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने इसका जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। विधानसभा के रसूखदार नेताओं अफसरों ने हाईकोर्ट के आदेश को तोड़ मोड़ कर विज्ञापन निकाला और फिर जिनके रिश्तेदार परीक्षा दे रहे थे उन्हें ही मूल्यांकन का जिम्मा भी दे दिया। नंबर कम आए तो उसे भी बढ़ाया और तो और नंबर बढ़ाने के लिए इंटरव्यू राउंड भी लिया गया। ये सब सारा खेल हुआ था 2001 और 2002 में। विधानसभा में 90 कलर की नौकरी में अब इस पूरे खेल को राज विजिलेंस ब्यूरो की चार्जशीट ने खोला है। अब इसी तर्ज पर अब उत्तर के किसानों को केंद्र प्रायोजित किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान योजना से भी सोलर वाटर पंप मिलने लगेगा। केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड को दी है। इसका मकसद सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भरता कम करना है। बिहार के सरकारी मध्य विद्यालय में स्नातक शिक्षकों के रूप में BCA योग्यताधारी तथा विज्ञान और गणित की विशेषज्ञ रखने वाले विद्यार्थी भी गणित और विज्ञान विषयों में स्नातक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। देर रात राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के नियोजन की विस्तृत अधिसूचना जारी की। बिहार बोर्ड और NCTI से मान्यता प्राप्त कर और निजी परीक्षण महाविद्यालय के 2 वर्षीय DELED के 2018 और 2020 के प्रथम दिन की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। यह परीक्षा 2 सितंबर को होनी थी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि 2 सितंबर की परीक्षा अब 9 सितंबर को ली जाएगी। बाकी विषय में कोई परिवर्तन नहीं की गई है। अब परीक्षा 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी है उसे ज़रूर दबा दीजिए।